A few moments later. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि हम सबको पता है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो कुछ बाहर जा नहीं सकते, कुछ खरीद नहीं सकते। और हमारा लॉकडाउन की वजह से हमारा डेली रूटीन जो है वो भी बिगड़ चुका है। कब हम दवाई लेना चाहते हैं, कब हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं, कुछ भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि मैं एक डायरी प्लानर बनाया जाए। तो मैं एक डायरी प्लानर बनाऊंगी, उसमें मैं दिन भर क्या करती हूँ, कब मुझे दवाई लेना है, कब मुझे एक्सरसाइज करना है, सब मैं नोट करके रखूँगी। तो मैं उसमें हर मंथ के हिसाब से उसमें डेली प्लान लिखूँगी, और आपको वो कैसे बनाना है और उसको कैसे सजाना है ये भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं डायरी प्लानर। तो डायरी प्लानर बनाने के लिए आपको इस तरह का A4 साइज पेज लेना है, और इसको इस तरह से बराबर करके मोड़ लेना है बीच से। तो ये जो बीच की लाइन दिख रही है, अब से सीधा दो पीसेस में कट कर लेना है। तो मैंने कट कर लिया है। तो ये रहा पंचिंग मशीन। तो पंचिंग मशीन को इस तरह से पेज के लास्ट हिस्से से पंच करके छेद करेंगे, ताकि पेज का जो छेद है हर एक पेज का वो इक्वल रहे। तो देखिए इस तरह से छेद करना है पंचिंग मशीन से। ये पंचिंग मशीन आपको स्टेशनरी दुकान में मिल जाएगी। तो देखिए, तो इस तरह का स्पाइरल वाइंडिंग आपको बनाने के लिए, जो मैंने आपको डायरी दिखाया, तो वो मैं इस क्लिप से बना रही हूँ, हेयर क्लिप है ये। तो इसके मोड़ कर मैं वो स्पाइरल वाइंडिंग बनाऊंगी जिस तरह डायरी में रहता है। तो एक आपको कोई भी तरह से मजबूत एक टूल लेना है, उसमें घुमाकर आप हेयर क्लिप से रिंग बना सकते हैं। तो मैं इस तरह से मोड़ कर रिंग बना रही हूँ। तो देखिए मैंने इस तरह से रिंग तैयार किया है डायरी में लगाने के लिए। तो इस तरह करके मैं और भी रिंग्स तैयार कर लूँगी। तो देखिए मैंने रिंग तैयार कर लिया है, एक छोटा सा रिंग भी मैंने बनाया है। तो 5 रिंग्स मैंने बनाए हैं। तो ये है वेडिंग कार्ड, जो वेस्ट वेडिंग कार्ड बच जाता है, उसमें से एक चुना है मैंने, ये अच्छा लग रहा था देखने में। तो ये इससे मैं लगाऊंगी डायरी में। तो यहाँ पे मैंने कलरफुल पेज लिया है, और कलर खुद से किया और पंच भी कर लिया है पंचिंग मशीन से। तो मैं कलर करके दिखा रही हूँ किस तरह से मैंने पेज को कलर किया था। तो सबसे पहले जो पेज A4 साइज का पेज था, उसे मैं कलर कर लूँगी। ये मैंने यहाँ पे रेम्बो के 7 रंग जो हैं, जो 7 कलर्स होते हैं, वो लिया है। आपको अगर दूसरा कोई भी कलर पसंद हो वो आप ले सकते हैं। तो इस तरह से हर एक कलर को अरेंज करके देना है, रेम्बो जैसा ही आपको बनाना है। ये बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में, जैसे रेम्बो के 7 कलर अच्छे लगते हैं, उस हिसाब से आपको रंगों को सजा के पेज को कलर करना है। तो यहाँ पे मैं जो हर एक चीज़ यूज़ कर रही हूँ, ये मेरे पास घर में ही अवेलेबल है, मैंने कुछ बाहर से नहीं मंगवाया है। मेरे पास कलर, पेजेस, पंचिंग मशीन, ये सब कुछ घर में ही है। और जो मैंने रिंग्स बनाए हैं हेयर पिन से, वो भी घर से ही, मैंने पिन मेरे पास था हेयर पिन, उसी से ही मैंने बनाया है रिंग्स। तो यहाँ पे मैं येलो कलर दे रही हूँ, उसके बाद में जो और जो रेम्बो कलर और लगेंगे उसमें दे देती हूँ। तो ये लास्ट कलर बचा हुआ है, दे देती हूँ। अब कलर हो जाने के बाद मैं इसे सूखने के लिए छोड़ दूंगी, ये सूख जाएगा तो अच्छा दिखेगा। तो देखिए सूख चुका है। तो मैं अब इस पेज को, पेज में बॉर्डर बनाने के लिए, तो एक पतला सा थिन पेज लूंगी, मैं इसे बॉर्डर बनाऊंगी इस पेज के ऊपर। तो सबसे पहले इसे पेज पर उल्टा करके रखना है,
और जो पीछे ग्लू लगा देना है अच्छे से। अच्छे से पेज पे ग्लू लगाने के बाद इस पेज को मैं उलट दूंगी। तो मैंने इसे पेज को उल्टा कर दिया है। तो ये सूख चुका है। अब मैं बॉर्डर बनाने के लिए इसके मार्जिन के हिसाब से थोड़ी थोड़ी जगह चारों तरफ छोड़ दूंगी। तो मैं चारों तरफ कट कर लूंगी अच्छे से बराबर से। देखिए मैंने कट कर लिया है। अब मैं किनारों को मोड़कर इस तरह से बॉर्डर बना लूंगी। इस तरह से मोड़ लेना है और ग्लू से चिपका देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने तैयार कर लिया है। तो हर एक पेज को अरेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पेन की तरह पेन लिया है, मतलब पेन की तरह ही कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें हर एक पेज को मैंने यहाँ पे स्टक कर लिया था। अब मैं यहाँ पे रिंग घुसाऊंगी हर एक पेज में। हर एक पेज में ये रिंग क्रॉस होनी चाहिए। अब इस तरह से रिंग को इसमें डालकर अच्छे से दूसरे तरफ से निकाल लेना है ताकि आपका पेज बाहर ना आए। देखिए इस तरह से करना है। तो मैं और एक रिंग इसमें स्टक करके दिखाती हूँ किस तरह से करना है। तो इस तरह से छेद में डालना है। हर एक छेद में एक भी पेज छूटना नहीं चाहिए। एक एक करके सब में डाल लेना है इस तरह से। देखिए मैंने रिंग को इसके पार कर लिया है। अब रिंग को धीरे धीरे मोड़ के छेद के उस तरफ ले जाकर टाइट कर देना है। तो मैंने सारे इस तरह से मैंने सारे रिंग लगा लिए हैं डायरी में। देखिए मैंने सारा रिंग लगा लिया है। ये कलरफुल पेजेस मैंने सबसे पहले रखे हैं, उसके बाद मैंने जो वाइट पेज रखा है। हर एक मंथ खत्म होने के बीच में स्टार्टिंग होने से पहले मैं लगाऊंगी ये कलरफुल पेज। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से मैंने बनाया है। तो देखिए स्टार्टिंग ऐसा है। पहले कलरफुल पेज मैंने यहाँ लगाया है। तो इस तरह से मैंने सजाया है। आप भी अपने हिसाब से सजा कर लिखें कुछ भी। तो यहाँ देखिए अभी मैंने जून में बनाया है, तो ये जून से स्टार्ट हो रहा है। इस तरह से मैंने लिखा है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है जितने सारे दिन बचे हैं उस हिसाब से मैंने डेट लगा कर लिख दिया है, दो दो दिन के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर जुलाई स्टार्ट होएगा, उससे पहले यहाँ पे मैंने एक पेज लगाया है कलरफुल और उसके ऊपर सजा कर लिखा है। तो देखिए मेरा यहाँ से जुलाई स्टार्ट हो गया है कलरफुल पेज के पेज के बाद से। तो यहाँ पे जुलाई का महीना है इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्लाउड और सन बनाया है। तो यहाँ पे देखिए जुलाई गोल्स मैंने लिखा है और यहाँ पे डॉट बनाया है जो आप नोट कर सकते हैं हर एक पॉइंट पे कुछ भी। और यहाँ पे डेली बजट के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, एक वॉलेट टाइप का मैंने ड्रॉ किया है। देखिए इस तरह से आपको हर एक डेट बिठा कर डे वन डे टू के हिसाब से डे थ्री के हिसाब से आपको हर एक चीज़ लिखते जाना है अपने प्लान के हिसाब से। इस तरह से आप तैयार कर लें। तो यहाँ लिखा है मैंने स्टोरी टाइम। कुछ आपके दिमाग में कोई थॉट आए या कुछ आप आइडियाज़ आए तो आप यहाँ पे नोट कर सकें। तो इसके लिए ये है, आपको जो अच्छा लगे आप उस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैंने डेली ट्रैकर लिखा है। तो डेली ट्रैकर में आपको कब पढ़ाई करना है, कब पानी पीना है, कब आपका एक्सरसाइज करना है, वे सब नोट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको सजा लेना है, लिख लेना है, नोट कर लेना है। यहाँ पे नेक्स्ट मंथ शुरू होगा उसके लिए मैंने ये पेज लगा दिया है कलरफुल। देखिए